जिन्हों के लिखे हुए कलाम जुबान जदे आम पाकिस्तान ही नहीं बैरूने ममालक भी उशाक पढ़ रहे हैं तो उशाकान रसूल के कलूब न ठंडा फरमा रहे हैं। अल्लाह की रहमतों की बरसात बहुत है, दरे मुस्तफ़ा से मिली खैरात बहुत है, इनके लिए है काफ़ी ये बख्शिश की सनत, अहमद अली हाकम ने लिखी मेरे आका की नात बहुत है। जनाब अहमद अली हाकम साहब बारगाहे सरवरे कौनैन में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। सब बावाद बुलंद नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। हाथ उठा के बोलो ताकि पता लगे भी इस टाइम हाथ नाल ही ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मंशा यही है सिलसिला कीलो काल की, होती रहे सना आका तेरे हुस्नो जमाल की। सोहने दी गल बात न मुके, जिक्र कर दें रात न मुके, सजदे विच आका जी आप नू वेखां, सारी उम्र रकात न मुके। लैओ यार हवाले रब दे, मेले चार दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फेर मिलांगे। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो हम दुआ कर चले। जिया है आराम से, मरा है चैन से, ताल्लुक जिसका जुड़ गया मौला हुसैन से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदकल्लाहुल अज़ीम। इस नात नु सुन के दिल ठरिया तो सुभान अल्लाह कह दियो, इंतहाई मैं दिल दी अतागराइयां नाल सब इंतजामिया मुबारकबाद पेश करना, जिन्होंने उस महबूब की महफिल सजाई, जिहड़ा अर्श वालों का भी महबूब है, फर्श वालों का भी महबूब है। जनाबे बरादरे मोहतरम कामरान फरूक साहब उसने नकाबत नाल अपने मनसब नूं निभा रहे सन, और मेरे तो पहले जिन्हां दोस्तों ने पढ़िया, चाहे मुतरन्नम पढ़िया गैर मुतरन्नम पढ़िया, वैसे मैं और जिहड़े ना अपना लफ्ज़ हुंदा एक नसर एक हुंदा नज़म, मैं लफ्ज़ नज़म भी इस्तेमाल नहीं किया, मैं मुतरन्नम इस्तेमाल किया, क्योंकि कुछ ऐसे अफराद भी हैं मैं उन्होंने मिले वो जिहड़े भाई साहब फरमा रहे सन कि कुछ मिलाद ना मना, कलमा पढ़ते पर मिलाद नहीं मनाते, वो नात नो नज़म कहें। ठीक है, वो कहते जनाब नज़म को सुना दो। क्या बात है, क्या बात है, ये मैनू सिर तो बंद आ रहे हैं वाकई बंद। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह लो लो जो तुम बोलोगे, बस एक मिनट सिर्फ सीधा थोन कर लव। ते जो तक तो दिमागी तौर पर सही होना उदों तक मेरे जावन का टाइम हो जाना। आ ठीक किया तू, आए इन का इलाज ही हो बेबल दियाँ क्यों गई। अच्छा जी हाँ, वो आते नज़म सुना, वो मैंने एक दिन बंदा कि वो जो टक्कर सर आकम साहब थोड़ी फलानी नज़म में सुनी बड़ा मज़ा आया, मैं तो नज़म लिखी का ही नहीं, और जी फलानी ने कुए नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। तो ये क्या नज़म आपने लिख दी है, मैं क्या जरूर सस्ता था बोलो नाद लिखी है, नज़म कदों तो हो गई, नज़म तभी तो हो सकती है भाई, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी, ये नज़म तो ये भी नहीं पता नाद नज़म की फर्क है। बस इस वास्ते मैं कह कि कुछ मुतरन्नम हाजरी आँदी है, कुछ नसर च आँदी है, नज़म तो साड़ी है ही कोई नहीं। हाँ अलबत्त मुशायरा हो तो मैं कह सकता कि जी अब मैं आपको मंजूम शक्ल में पेश कर रहा, लेकिन मुसलम मुस्तफा की नात तो फिर नात ही है ना जी, सिर्फ ना दिल घबरांदा नात कहन लगे, मत हजूर की शान ना बयान हो जाए। भाई जान बड़ी नमाज की तकीद फरमा रहे सन कि फजर पढ़ोगे तो यह होएगा, तो जोर पढ़ोगे तो यह होएगा, तो असर पढ़ोगे तो यह होएगा, कि ना नू असर पढ़ के भी असर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
समझा कि हुण मैं तैनूं नमाज़ दी रकां दी वंड भी करनी। हाँ, नमाज पढ़नी चाहिए थी, पांच वक्त ही पढ़नी चाहिए है। तो वैसे तो जो तरीकत चाहिए गल जाए तो सुल्तान को फरमाते जो दम गाफिल सो दम काफिर। पांच तो उन्होंने वास्ते जो दुकान का शटर भी चुकना होंगे, जाके काम भी करने होंगे ना, जाके दुनियादारी भी चलानी। मुस्तफा एक शरह तक निज़ाम है, लेकिन बहु सुल्तान फरमाने भी जो दम गाफिल सो दम काफिर। फरमाया नमाज है कि तेरा साह साह अल्लाह का जिक्र करे। क्या बात है। ते मैं क्या मेरे ख्याल गल सिर्फ इन्नी मैं कहना चाहना कि किसी ने इमाम जाफिर सादिक को पूछा हजूर नमाज के अराकीन की वंड तो करो। मैं जरा अल्लाह अकबर हाथ बन लैने एक कयाम है। हजूर एक कयाम क्या है। और मैं खुद मुस्तफा ने कयाम मुस्तफा ने। मैं हजूर रुकू कौन है। मैं रुकू मौला अली ने। हजूर सईदा कौन है। फिर मैं सईदा मौला हुसैन है। फिर मैं तशद कौन है। हजूर तशद मौला हसन ने। मैं हजूर थोड़ी दादी बीबी फातिमा का जिक्र तो नहीं आया। फिर मैं नीयत मेरी बीबी दादी फातिमा है। क्या समझ नहीं आया। चुप सुमाला कह सकते कह सकते नाराए हैदरी। ये सारिया सुनत याद आ हर बंद कुछ ना कुछ। मतलब मिसवाक करना सुनत है, पानी इंज पीना चाहता, शादी करना सुनत है, इंज सवाब है, वो सवाब है। जो तू सजदे जाना है तेन कभी ख्याल आया हुसैन का। जो बंदा सजदे सर रखता है तो कभी सोच आई होगी हुसैन का ख्याल आया हो। कभी यह भी सुनत है सरकार का हुसैन का सजदे च ख्याल आ जाना भी मुस्तफा की अदा है, वरना सजदा तो डर गया। दसो ये कि हुसैन मुस्तफा दे सजदे दौरान कंधिया तो नहीं बैठा। तो जो कंधिया तो बैठा उसी क्या मुस्तफा उन्होंने नहीं पता लगे उत्ते कौन बैठा। लिहाजा हुसैन का दौरान है सजदा। मुस्तफा नु ख्याल आवना है मुस्तफा की अदा है। जी उम्मती नु हुसैन का ख्याल आ जाए तो सवाब ही सवाब है। लै भी फिर मेरी खुश नसीबी वेखो बच्चे माशाल्लाह फ्रंट पर बैठे ये आज फिर मैंने जनाब ये करप्शन करेंगे। आज इतने नैब भी मौजूद है। आज नैब है ना इतने उठा ले जाने के फिर। लिहाजा मुस्तफा दे आमद का महीना है ते मुस्कुरा वो ही रहा जिन्हों मुस्तफा दे आने की खुशी है ते मुंह सड़े उन्हां दे ने भी जिहड़े अज़ल तों सड़े ने उस जलसे च भी नहीं सन। उस जलसे च भी नहीं सन क्योंकि खासा का जलसा है तो हजूर की महफिल खास ही आता है। और आखिरी गल करके मैं दो कलाम अज पढ़ने तो त्रीया मैं मनपत पढ़ देनी है। इस वास्ते इतना ही पढ़ना कि क्योंकि अज इतना ही पढ़ना चाहिए। उन्हें क्या हजरात एक ऐलान सुन लो। मस्जिद के बंदे ने मैं खुल के एक ऐलान करना चाहिए। पिंड वाले मेरी गल सुन लो। हजरात पिंड वाले भी तवज्जो करे वो सारे पिंड ने कन मैं कले किए भी पता नहीं की आखू है। उस एक लम्मा जहा होका भरिया हा मैं थोनू की आखना बस अज इना ही करना है। ईमान वाले हो बस इतना ही अज करना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਘਟਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਬੇਸ ਘਟਾ ਲਈ। ਹਾਂ सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। वाह वाह सुभानअल्लाह। एक बारी मिलके पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या या
وسلم عليك يا حبيب الله بس زلفانوں ذرا مکھ تے سٹن دی دے ہو رات ویسی واہ ہو رات ویسی بس زلفانوں ذرا مکھ تے سٹن دی دے واہ تو جنتیوں دوزخی ہو جاسے دلدار دے رسن تو جنتیوں دوزخی ہو جاسے اللہ اکبر بے شک بے شک بے شک دلدار دے رسن دی دیرے دیکھنے کون کتے بیٹھا ہے پلے حاکم کچھ بھی بچنا او دے پیار دے خسن دی دے سج مڑ کے سج مڑ کے اثر تے آ گئے سی انگلی اٹھن دے رے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سج مڑ کے اثر تے آ ویسی او دی انگلی اٹھن دی دے رے واہ بلغل لاب کمال ہی کشفت دو جات بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ وآلہ جو مدینے ٹر پردیس گئے اوہے دو جگ دے سلطان ہے اوہے پاک رسول دی راحت ہے اوہے پاک بطول دی جان اوہے پاک رسول دی راحت ہے اوہے پاک بطول دی جان ہے اگلی دو لینا سنا نہ لیا کیتی قدر نہ حاکم خوفیاں نے بڑے وکھرے جے مہمان اے جڑے کربل ریت تے رل گئے اوہے لو لو تے مر جانے جڑے کربل ریت تے رل گئے اوہے لو لو تے مر سردی ہے پر اینے بھی نہیں بھائی بندہ بالکل ہی سردی نو محسوس اتنا کر لوے پی کوشش کرے کہ میں بلٹی کے بہ جاؤں کامران بھائی جی بسم اللہ کچھ لوگ جڑے ماشاءاللہ ہون بیٹھے نے اس ٹائم رات کی ٹائم ہو گئی سوا دو ماشاء اللہ سوا دو بجے منی داد ہوں تو دسیا تا حال ہو گیا جنا جہاز تے بندہ پہلی باری بیٹھا نا تو کہ اب ہمارا جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہے تو وہ پہلی باری بیٹھا وہ ڈرے شوتا کتنے چلا گیا پھر اعلان ہوئے 12,000 پہ چلا گیا اخیر اس ہولی جب بولے اس کا بھائی جنا مرضی اچا لے جاؤ دسو تو نا ہوں تو ٹائم کا پتا لگ جانا سارا پتا لگ گیا بھی کنا ہو گیا اڑان کے کام گئے اچھا
इतना हो गया टाइम वो मर गया। लिहाजा मैं हूँ इतने इतने गल सुनानी बस यही गल करनी सी भी तुम इन्ना डरो ना सर्दी भावे आ ही गई तो कि गल रात जाती पई सुबह आती रात जाती पई सुबह रात जाती पई सुबह आती रात जाती पई सुबह मैं मंदिर पढ़ रहा जो तुरे तो मेरे नबी दुनिया से तशरीफ लियाए उदो रात जाती पई सी सुबह आती पई सी ये तुम्हें पता इस गल का जो मुस्तफा दुनिया से आए तो रात मुकदी पी आई तो दिन चढ़न वाला हा यानी सहरी का टाइम आ तो मैं उस मंजिल से बोलता पाया हूँ आप हल्का हल्का तुम मेरे नाल पढ़ना है रात जाती पई सुबह आती पई रात जाती पई सुबह आती पई सोना दुखड़े वंडावण ले आ गया रात जाती पई सुबह आती पई सोना दुखड़े वंडावण ले आ गया रात जा जो कहना सोना आ गया उदो एक हाथ लहरा के कहना अज नहीं हाँ रात जाती पई सुबह आती पई सोना दुखड़े बंडावण ले आ गया रात जाती पई सुबह आती पई सोना दुखड़े बंडावण ले आ गया कसम हुण तेराणे ने गम वाह मैनू रब दी कसम हुण तेराणे ने गम सोना रोंदे हसावण लई आ गया रात जांदी पई सुबह आंदी पई सोना दुखड़े वंडावण लई आ गया रात जांदी बिल्कुल जी पहला शेर मैं सज्जे पास दे रहा अगला शेर दे रहा इन्होंने दो ही शेर पढ़ने कैमरे की सीधे स्टेज वाले भी शामिल ने शामिल खारिश भी कर दे ते जिहड़ी सही लत नूं पता लग जांदा कि मैनूं कोई कुदकुदी कर रहा है ते हुण वेखने आ वी सारे दोवें पासे ठीक है एक पासा लगा गया पहला शेर रात जाती पई सुबह आती पई सोना दुखड़े वंडावण ले आ गया रात जाती पई सुबह आती पई अगला हुण शेर सुनने दरा आमीना बारी थोड़ी है आमीना दलाल वेख के सोने शर्मसार हो गए सुभान अल्लाह आमीना दलाल वेख के सोने शर्मसार हो गए दीद करन लई हुजूर दी सारे बेकरार हो गए दीद करन लई हुजूर दी सारे बेकरार हो गए कहते असी मंगते ते एदिया गदा सानू वेखने दा चाहे ते सोने दा शाह सानू वेखने दचाए ते सोनिया दचाए उसने अपना विखावन ले आ गया रात जाती
पई सुबह आंदी पई सोना दुखड़े लहरा के लहरा के आ गया रात जांदी पई सुबह आंदी पई सोना दुखड़े रात जांदी पई सुबह आंदी पई। अगला शेर मैं उन्होंने देना है सुभान अल्लाह थोड़े तो इधरले बंदे भी आन गए ना जी है बेचारा जी हां उन्हें यार हो जाए उन्हें दूसरा शेर उन्होंने दे रहा है बाद पिंड शादी होवे ना ते बंदे किसले कार्ड ना जावे ते ओदी दिल बड़ी होवे कि काश मैं शादी चला जांदा ते ओ फिर जरूर तरला मारदा भी बस जावना था जिस किस ते सदिया जो मैं कोई ना मैं जावना ते इन्हां दी दिल ते है बिस्माला साहब ही आखणी है हुण आकम साहब सानू आखण दा सी शामिल हो जी साहब तू आख लव्या चन्नु सादिया ने क्या मेरे घर नु क्यों तकावन है आहा चन्नु सादिया ने क्या मेरे घर नु क्यों तकावन है वाह अम्मा हलीमा कह रही चन्नु बनन ले खिडावणा एदा ਸਮਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਆਵਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਤ ਗਏ ਚੰਨ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਏਕਿਆ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਏਤ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਏਤ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तेरा लाल ते कमाल एत खेड मेरे नाल तेरा लाल ते कमाल एत खेड मेरे नाल मैनू कदमी बुलावण लई आ गया रात जानी पई सुबह आंदी पई सोना दुखड़े मंडावण लई आ गया रात जानी पई सुबह आंदी रात जांदी पई या रसूल अल्लाह इनिया पर्चियां ने ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਂ ਇੰਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਲ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਅੰਮਾ ਵੱਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਣਿਆ ਏ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੁਣਿਆ ਏ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਐਸਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਾਦੀਆਂ
घर वेख ते चलिए आओ मेरे नाल सादियां दे घर वेख ते चलिए आओ मेरे नाल। ए शेर ते मैं भी सवाल लगा देंगा ना भी कोई आवे कोई गल नहीं, पर कामरान जिंदगी का पता नहीं ये मामला कभी फिर होंगे ना हो, लेकिन एक हर चीज एक यादगार आती है। ओ वड्डी अम्मा कह लगी हर एक सोना ओदे अगे झुक जांदा है, हर एक सोना ओदे अगे झुक जांदा है, जिस वेले रुकदा जमाना रुक जांदा है, जिस वेले रुकदा जमाना रुक जांदा है, एनी सोहनी चाल सादियां दे घर वेखण ते चलिए आओ मेरे नाल, सादियां दे घर वेखण ते चलिए आओ मेरे नाल। ऐशर ते ओ अम्मा वड्डी कहन लगी सुने आए हुण ते ओ पैसे भी निकाल दी, सुने आए हुण ते ओ पैसे भी निकाल दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी निवाल दी। सुने आए हुण ते ओ पैसे भी निकाल दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी निबाल दी, ए सब जमाल सादियां दे घर वेखण ते चलिए आओ मेरे नाल, सादियां दे घर। मैं हलोरी पढ़ ली, हुण मैं मजमून वाला आ गया। जल्दी जल्दी नाल फरमाइशा जड़िया ने इन्हों की इतनी गुंजाइशा नहीं है कि फरमाइशा पढ़ा। भाई सर्दी तुहानू जी फील हो रही है ना, अच्छा ठीक हो ना, थोड़ा जि बंदा में दिमागी तौर पर अब नॉर्मल जो हो ते उन्दी शादी नेड़े हो ते अकलू पैदल हो ते उत्त थोड़ा घोड़ा भी हो तुसे जौक नहीं लिया गल का गल फटी कर गया। अच्छा उनके माँ प्यो तो पूछने जी तू पर क्यों नहीं, वह मुड़ी कोई गल करता यार बाल मेरा वो जो तो बहर क्डन का नहीं, बस कोई बंदे बहर क्डन का नहीं महफिल चाहे ना वो हाथ कट सकते हैं क्योंकि उन्होंने हाथ क्डन बहर क्डन का नहीं, वो लोग कहते हम बलोई है भी आकम साहब हम कि हाथ कटिए हाथ साथ क्डन का है ही नहीं, तो कुछ बंद मूँह लुकई बैठे भी नहीं क्डन का बहर। हाँ जी ये हूँ थोड़ा चादर हजूर वास्ते कुरबान करनी है थोड़ा जहा मूँह बार कहना पी तक हसबान ला बनेगी तो महफिल सजेगी, कुरबानी देनी पैनी थोड़ी जी तुम तो मूँह नहीं कट सकते, हालांकि अल्लाह तला ने सोहना मूँह दिता सारे माशाल्लाह हजूर दे सदके नाल। हाँ मैं अपनी मर्जी तो पढ़ रहा कलाम आखिरी उस तो बाद फरमाइशा दो तीन कलाम मैंने दो दो शेर पढ़ना। मैं अपनी मुहब्बत तो पढ़ रहा दिल करे शामिल हो जाए दिल करे सुनी रखे ते शौक ले लेना। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, जवाब रहन दे अगले लैण ते हाथ खुद खुद उठ जाणगे, ला जवाब नू तू ला जवाब रहन दे, क्या बात है हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, जवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, ला जवाब नू तुला जवाब देन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब देन दे। पहला शेर एक बार थोनू दे रहे हैं
लाजवाब नो तू लाजवाब रहन दे। एक बंदा बार बार गुलाब का फूल लेके खड़ा है ते कहंदा आकम साहब कैसा फूल है, कैसा गुलाब है, कैसी खुशबू है। मैं क्या सुन जरा, नगीने दी बात ना खजीने दी बात कर, चलिया हुजूर दे पसीने दी बात कर, चलिया हुजूर दे पसीने दी बात कर, छोड़ परा जिक्रे गुलाब रहन दे, छोड़ परा जिक्रे गुलाब रहन दे, ला जवाब तू तू ला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, जवाब रहन दे ला जवाब रहन दे। हज़रत मौला अली दे गुलाम दा नाम है कंबर, सुभान अल्लाह बन दी। आप दे घर अंदर जड़ी कनीज है ओदा नाम फिजा, सलमान फारसी तुसी जानते ही हो। हुण शेर सुनना जरा, अल्लाह अकबर। हाँ कंबर तू पुछ ले यमिन सलमान नू, कह दिए फिजा वी सारे जहान नू, पंज तन दे मंगते नवाब रहन दे, पंज तन दे मंगते जेड़े हैं हाथ उठा के लहरा के कहन गए, पंज तन दे मंगते नवाब रहन दे, ला जवाब नू तुला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। एक हाकिम मेरे तखल्लुस है लफ्ज अहमद अली हाकिम, एक हाकिम अल्लाह है जिदा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जड़ा मंदा सुभान अल्लाह बोल रहा अल्लाह नु हाकिम मंदा है। हुण जरा शेर सुनना है, हशर च हाकिम मैं हाकिम आखना, यानी मैं रब दो आलम आखना, की आखना, गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे, गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे, रल के कह लो गनिया फकीर, अल्लाह नु गनी मनदा है ओ बोलेगा, गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे, ला जवाब नु तुला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। तो जो ना बड़ी लुकवी दाद, बड़ी ओले वाली दाद। हज़रात परचियां विचों मैं एक कलाम जरा पढ़ता पाया, ये मैं आखिर तक पढ़ सकता, ये सुन सा लेकिन तरतीब है पढ़ सक जरूर, बल्कि मैं तो कहना मैक मैं उत्थे ना पहुँचा दे, तुसे सोना पढ़िया तरज लाए रहे क्या बात है, सुरीले लोग ने ते कन्नाले लोग ने। मैं स्टेज आले हो थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा जी मेहरबानी करो। दोज़खी नहीं मैं जन्नतिया, फरमाइश हुई है तो मैं दो शेर पढ़ देना, दोज़खी नहीं मैं जन्नतिया, क्योंकि मैं मदनी जिन फखर है उम्मती होण दे, पांच सेकंड हाथ लहरावे, दोज़खी नहीं मैं जन्नती,
हां मैं सोने दा उमतियां दोजखी नहीं मैं जन्नती नाल यजीदियां मैं नहीं रहना नाल यजीदियां मैं नहीं रहना क्योंकि अहले हक दा संगतियां दोजखी नहीं मैं जन्नतियां मैं सोने दा उमतियां दोजखी नहीं मैं जन्नतियां फिर सुनना जरा अज तो नहीं मैं आले नबी दा हो अज तो नहीं मैं आले नबी दा नौकर जदी पुछतियां दोजखी नहीं मैं जन्नती मैं सोने दा उमतियां मैं क्यों इत्थे आया तुसी इत्थे क्यों आए गुलाम नबी दे जिस विच रहंदे मैं लभदा बसतियां दोजखी नहीं मैं जन्नतियां मैं सोने दा दोजखी नहीं मैं जन्नतियां जिस ते लिखिया नाम अली दा जिस ते लिखिया नाम अली दा मैं एक ऐसी तख्तियां दोजखी नहीं मैं जन्नतियां मैं मदनी दा उमतियां दोजखी नहीं मैं जन्नतियां मिलाद शरीफ पढ़िया दो कलाम पढ़े एक मैं पढ़िया लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे एक पढ़िया सोना सोने दा मैं उमतियां दो शेर मेराज मुस्तफा है हजूर दा मेराज पढ़ रहे फरमाइश है जो हजूर नू मेराज होया दात देना ना देना एक अलग सिस्टम है लेकिन कलाम की अहमियत वेखनी चाहिए कि कलाम दे विच है क्या बच्चा का खेल नहीं सदया रिशां ते तालिब ने मतलूब नू अज दोवें बैण गे आमणे सदया रिशां ते ता पहले क्या सी ना बच्चा तो खेल नहीं है सदया रिशां ते तालिब ने मतलूब नू अज दोवें बैण गे गल मोहब्बत दी होवे कि दोवां वल्लों गल मोहब्बत दी होवे कि दोवां वल्लों जाने की कहणगे आमणे सामणे सदिया रिशां हबीबे खुदा इक दा सानी नहीं
एक है सब तो जुदा एक बनान च हसी एक बनन विच हसी एक बनान च हसी एक बनन विच हसी किन्ने दस ठैण गे आमने सामने सदया अरशा ते तालिब ने मतलूब अज दोवें बैण गे आमने सामने सदया अरशा मुश्तरका शेर है मेराज पढ़ रहे हैं और याद रखना जब मेराज होया हुजूर को उस साल हुजूर दा दिल बड़ा गमगीन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे घर अम्मा खदीजतुल कुबरा और सैयदना अबू तालिब ये दोनों अगे पीछे दुनिया तो पर्दा फरमा गए और लोग पत्थर मार दें ताइफ वाले हुजूर बड़े गमगीन हैं अल्लाह ने महबूब नु अपने कोल बुलाया जख्म पत्थरा ते जाके विखावेगा जो जो बीती खुदा नू सुनावेगा एक सुनावेगा गम एक वडावेगा गम आए हाय हाय एक सुनावे गम एक बनावे गम हौसले देण गे आमने सामने सदया अरशात ताल नेमत दूबनू सदया अरशा तुसी भावे थोड़े रह गए हो पर दिल दे थोड़े नहीं एक बंदा दिल तो थोड़ा होंगे इधर मकता सुनना तरह जेडे अत्तहियातु लिल्लाह व सलावात व तैयबात हो जाए पढ़ देने उन्हें शेर दे रहे हैं मैं मिराज का आखिरी शेर पढ़ रहे हैं मेरा मजमून मिराज इस टाइम पढ़ रहा हूं मैं जेडा बंदा दोजख तो डरता बता है कि पता नहीं मेरा की बनेगा मैं जहन्नम की आग में जाना या नहीं जाना डरता तो बता है उन्हें मैं खुशखबरी देनी है आसियो क्यों तुसी दसो बेताब हो चेते तो जख्दा कर दे क्यों आजाब हो जेड़े अरशां ते बैठे ने हाकिम दोए जेड़े अरशां ते बैठे ने हाकिम दोए गल मुका लैण गे आमने सा जेड़े अरशां ते बैठे हाकिम दोवें गल मुका लैण गे आमने सामने सदया अरशां ते तालिब ने मतलूब नू अज दोवें दो कलाम हायल ने उन्हें दो शेर फिर मैं पंजा दी बारगाह च पंज शार पढ़ के जा चाहवांगा परची ते जिहड़ा कलाम लिखे है उहदा इक शेर पढ़ देना हर बंदे ने अपनी मजमून अपना अलग लिखे है ये कलाम जिहड़ा इस तों बाद तुहाडी ज़ौक दा वैसे अंदाजा हो जाएगा जिहड़ा बंदा कुछ बंदे नारे ला रहे सन ते कुछ बंदे उस बंदे नु वेखदे पैसे बिना नारा कौन ला रहे ते नाले इंज करके लेंदे सन भाई ए भी ला लेंदे माशाल्लाह इस तरीके नहीं जोश होना चाहिए पूरा अल्लाह पिया कवे यार अज ते थू नहीं कारी तू सजदे सर झुक ले
ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੱਕੀਆ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਲਮੀ ਹਾਕਿਮ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਲ ਵੀ ਹਾਕਿਮ ਤੂੰ ਸੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕਿਮ ਤੂੰ ਕਸਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮਾਹੀਆ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਸਜਦਿਓ ਸਰ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਂ ਪਰ ਮੁੜ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਮੀ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਲਏ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਅਸ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਇਸ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਸਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਸਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਖੈਰ ਇਹ ਬੜੇ ਓਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਬਿਲੋ ਜਵਾਬੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਬਿਲੋ ਜਵਾਬੇ ਦੁਲਹਾ ਬਿਲੋ ਜਵਾਬੇ ਹਾਏ 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 ਦੁਲਹਨ ਬਿਲੋ ਜਵਾਬੇ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਦੁਲਹਾ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬੇ ਦੁਲਹਾ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਲਹਾ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬੇ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੁੰਮਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਦੁਲਹਾ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਲਹਾ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਜੁਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਏਗੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਦੁਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ
अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली, अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली, ताई ते वजीफा सुबह शाम मौला अली, अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली, अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली। इलम वाले सुन के हजरत अली नु कुछ लोग लिखते ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहु, वो बड़े विचो अजीब होंदे ने, कुछ लिखते ने हजरत अली अलैहि सलाम, ये बड़ा अजकल रौला पिया भी अली नु रजी अल्लाह कहना चाहिए या रसूल अलैहि सलाम कहना चाहिए, ये होने ही पता लग रहा सी। रजी अल्लाह कहने वाले होर कोई होणगे, होर कोई होणगे, साडे लई ते अलैहि सलाम मौला अली, वो हाथ चुके जिदे लई है साडे लई ते अलैहि सलाम मौला अली, रजी अल्लाह कहने वाले, रजी अल्लाह कहने वाले होर कोई होणगे, होर कोई होणगे, साडे लई ते अलैहि सलाम मौला अली, हशर च उदों मेरी प्यास मिट जानी है, प्यास मिट जानी है, जदों कौसर दा जाम मौला अली, देना जदों कौसर दा जाम मौला जेड़ा अली दे हत्थों कौसर पीना चाहता है, जेड़ा अली दे हत्थों जाम पीना चाहता है, हाथ पांच सेकंड लहरा के कहे, देना जदों कौसर दा जाम मौला अली, ताही ते वजीफा सुबह शाम मौला अली, अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली, अल्लाह दी सो हक दईमान मौला अली। तो जो होवे आखिरी शेर मैं सजदा मुस्तफा पढ़ना कर, सोना तेरा शजरा, जो सोना लगता है हाथ चुके संभालना पड़े, सोना तेरा शजरा तावाए उषा कादा हाशमी दिलदारा, हाशमी दिलदारा, हाँ तू लाले पाकादा, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, पहला शजरे दा शेर, रब करम कमाए ने, थक जावे थक जावे, रब करम कमाए ने नाथ अबू तालिब तेरे ढेर उठाए, हाँ तेरे ढेर उठाए ने, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, शेर दे ना मैं थोड़ी की मेहनत करनी थी ना बात करनी है, सुभान अल्लाह कह लवे वरना महफिल सारी थोड़ी सुनी सुनाई इधर दो जाएगी, तेरे दर जी था कोई नहीं, हाँ तेरे दर जी था कोई नहीं, पाप मिला सानी तेरी माँ जी माँ कोई,
तेरी मां जई मां कोई नहीं सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा इशर में आप पढ़ना चाहना है शजरे दा वरना मैं इससे मन खत्म ही कर सकता सा दे हर किशे सकदे जान करने कुछ कहना चाहना ते हर किशे सकदे एक है अली जेड़ा तेरी सेज ते से सकदे हां तेरी सेज ते से सकदे सोना तेरा शजरा आका सोना तेरा खड़े हो जाएं सलाम के लिए खड़े हो जाएं मुस्तफा।